सीधे सीधे एक प्रश्न, बचपन में पिटाई हुई है तुम्हारी कभी? बेसिकली सारे बच्चों की मेरे ख्याल से बचपन में पिटाई होती है, लेकिन हाँ मेरी जरूरत से ज्यादा हुई है, क्योंकि हमेशा मैंने अपने मन की मर्जी ज्यादा करने की कोशिश की है, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी कि क्या चीज कैसे होती है, उसे सीखने में कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती थी, जिसकी वजह से हाँ पिटाइयां बहुत ज्यादा होती है। कौन है रश्मि टेरेंस? रश्मि टेरेंस मानवता से भरी हुई एक जिंदा दिल इंसान है, जो सोचती है कि जो वो करती है वो इतना करे कि सबके लिए पूरा पड़े। रश्मि टेरेंस समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है अराउंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। क्या रश्मि ने कभी बिचिंग करी है या शौक है बिचिंग करने का? मैं उसके बिचिंग करने के लिए आपको सबसे पहले दोस्त चाहिए। ओके, राइट, आपके पास कंपेनियंस चाहिए। हमारी रिसर्च टीम को पता चला है कि आपके 6-7 बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं आपके। बिल्कुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं, बहुत ही वंडरफुल हैं ये लोग। लेकिन हाँ, कभी बिचिंग का पॉइंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक फोकस्ड मैं हमेशा से रही हूँ, जैसे कि एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, और अब जाके अपने स्कूल चलाने में या अपना एनजीओ चलाने में, तो मेरा माइंड बेसिकली चलता है कि मैं न्यू कॉन्सेप्ट क्या लेके आऊँ या न्यू काम क्या करूँ या और किस तरह से समाज को कुछ दे पाऊँ। और जब टाइम मिलता है अपने दोस्तों के साथ बैठने का, तो वो टाइम हम लोग ज़्यादातर स्पेंड करते हैं अच्छे डिनर में और अच्छी म्यूजिक में।